नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एक और नई कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है खरगोश की चतुराई। खरगोश एक छोटा जानवर होता है। उसने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमती से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वह एक विशाल जानवर हाथी से अपने समुदाय की, अपने खरगोश भाइयों की किस तरह से रक्षा करता है, यही बात हम इस कहानी में देखेंगे, जानेंगे। ठीक है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि खरगोश ने अपनी बुद्धि का परिचय देकर अपने साथियों की रक्षा की। सबसे पहले मैं ये कहानी रीडिंग करूँगी। तुम सब लोग भी अपनी अपनी बुक्स खोल कर देखोगे और रीडिंग करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, इन सारे वर्ड्स को कॉपी में 5-5 टाइम्स लिखना है और लिख कर इनसे वाक्य बनाना। ठीक है, तो मैं कहानी रीड कर रही हूँ। किसी जंगल में एक बड़ा तालाब था। उसका पानी कभी नहीं सूखता था। उसी सरोवर के पास खरगोशों का एक दल अपना घर बनाकर रहता था। तो जंगल में एक बड़ा सा तालाब था, उस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं था। हाँ, उसी सरोवर के पास, तालाब को सरोवर भी कहते हैं, तो उसी तालाब के पास खरगोशों का एक दल अपना घर बनाकर रहता था। कुछ दिनों से हाथियों का झुंड तालाब पर आने लगा। हाथी तालाब का पानी पीते, नहाते और खूब मस्ती करते। उनके आने जाने से खरगोशों के घर उजड़ जाते और कई खरगोश उनके पैरों के नीचे दबकर मर जाते। हाथियों ने इसकी कभी चिंता नहीं की। जिस सरोवर के पास घर बनाकर खरगोश रहते थे, वहां पे हाथी आते, झुंड के झुंड आकर नहाते, मस्ती करते और खरगोशों का घर उजाड़, उनके आने जाने से खरगोशों का घर उजड़ जाता, उनके पैरों के नीचे दबकर खरगोश मर जाते। लेकिन तभी भी हाथियों ने इस बात की चिंता नहीं की। खरगोश ने एक सभा ली और अपने परिवार को बचाने का तरीका सोचने लगे। खरगोशों ने क्या किया, एक सभा बुलाई और उस सभा में यह डिसीजन, यह सुझाव दिया गया कि किस तरह से हम अपने परिवारों की रक्षा कर सकते हैं। खरगोशों ने यह सुझाव दिया। उसी समय विजय नाम का एक बूढ़ा खरगोश उठा और बोला, भाइयों आप लोग दुखी ना हो, मैं कसम खाता हूँ कि उन हाथियों का तालाब पर आना ही बंद कर दूंगा जो आकर यहाँ पे उधम मचाते हैं और हमने हमारे परिवारों की जान माल की रक्षा नहीं करके उनका बर्बाद करते हैं, उनके जान माल को क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रकार वादा करके वो बूढ़ा खरगोश हाथियों के राजा गजराज के पास गया। बूढ़ा खरगोश सभा में यह वादा कर दिया, यह प्रॉमिस कर दिया कि मैं हाथियों का आना यहाँ पर रुकवा दूंगा, और यह प्रॉमिस करके, यह वादा करके बूढ़ा खरगोश उठकर चला गया। बूढ़ा खरगोश किसके पास गया, हाथियों के राजा गजराज। हाथियों को गज भी बोलते हैं, ठीक है, तो हाथियों के राजा को क्या कहा गया यहाँ पे, गजराज के पास जाकर बोला, राजन मैं विजय नाम का खरगोश हूँ, भगवान चंद्रमा का सेवक हूँ, उन्होंने मुझे अपना दूत बनाकर आपके पास भेजा है। विजय ने क्या कहा गजराज के पास जाकर, विजय ने गजराज के पास जाकर कहा कि मैं चंद्रमा का भेजा हुआ दूत हूँ जिसे भगवान चंद्रमा ने आपके पास भेजा है, उसका नाम क्या है, विजय। तो ये कहानी देखो, यहाँ तक मैंने खड़ी पे लगाई हुई, ये कहानी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, तब तक इस कहानी को पढ़कर समझने की कोशिश करोगे आप लोग, रीडिंग ठीक से करोगे और अंडरलाइन वर्ड्स को 5-5 टाइम्स लिखकर उसे वाक्य बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको नमस्कार, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और ठीक तरीके से पढ़ाई करो।